वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। और हमने हरप्पन साइट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट साइट्स पे आते हैं। आज की साइट है पहली कालीबंगा। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो कालीबंगा मीन्स ब्लैक कलर्ड बैंगल्स, क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां इसका मतलब होता है, ठीक है। कालीबंगा नेस्टेड इन 100 acres लोकेटेड इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई अमलानंद घोष इन 1951 AD। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? राजस्थान में, गंगानगर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडिया में लोकेटेड है ये। किसने डिस्कवर किया था? अमलानंद घोष द्वारा डिस्कवर किया गया 1951 में, 1951 AD। एविडेंस ऑफ प्री इन द सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट माउंट ऑफ कालीबंगा हैज बीन ऑब्टेन्ड। प्री इन द सिविलाइजेशन का थोड़ा सा जो है, एक हम कहेंगे कि थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल मिला कहाँ पे? वेस्ट माउंट ऑफ कालीबंगा पे, ठीक है। इन दिस एविडेंसेस देयर वाज एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड बहुत सारे स्टेट्स के पीसीएस में, कौन सा कि प्लॉग्ड फील्ड आपकी कहाँ पे, किस हरप्पन साइट पे मिली थी? तो प्लॉग्ड फील्ड आपकी कालीबंगा में पाई गई थी, ठीक है। फ्रॉम द प्लो हूज प्लोइंग वॉज प्लांटेड फ्रॉम विच टू क्रॉप्स आर एस्टिमेटेड टू बी ग्रोन साइमल्टेनियसली। अब क्या प्लॉग्ड फील्ड मिली, जहां पे ये अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट किया गया कि लगभग दो क्रॉप साइमल्टेनियसली एक के बाद एक दो क्रॉप्स लगभग ग्रो किए जाते थे, ठीक है। मेनी फायर पिट्स एंड वेदिकास वेयर फाउंड फ्रॉम हेयर विच आर रेक्टेंगुलर इन शेप। वेदिका क्या होती है? फायर पिट्स क्या होता है? जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका जो वेदी होती है, वेदी, उसको वेदिका बोलते हैं। फायर पिट्स वही जो आग वाल आग का एरिया जहाँ पे आप आग लगाते हैं, तो फायर पिट्स एंड वेदिकाज यहाँ से फाउंड हुए, जो कि किस शेप में थे? रेक्टेंगुलर शेप में थे, ठीक है। किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। हियर 37 एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी इमर्जन हैव बीन फाउंड। 37 बॉडी इमर्जन के एग्जाम्पल मिले। हियर एविडेंस हैव बीन डिस्कवर्ड ऑफ ऑल थ्री मेथड्स ऑफ क्रेमेशन राइट्स, कंप्लीटली बरियल, पार्शियल बरियल एंड क्रेमेशन। यहाँ पे क्या तीनों तरीके के क्रेमेशन राइट्स मिले, मतलब जब इंसान खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको जिस भी तरीके से दफनाया जाता था या उसको जिस भी तरीके से उसकी अंतिम संस्कार होता था, उसके तीनों के तीनों जो है एग्जाम्पल डिस्कवर किए गए यहाँ पे। कौन कौन से थे वो? कंप्लीट बरियल मतलब पूरा जलाना, पार्शियल बरियल आधा जलाना, और क्रेमेशन मतलब दफनाना। तीनों के तीनों जो कॉमन राइट्स हैं, कॉमन रिचुअल हैं अंतिम संस्कार के, वो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स मिले। किसके किसके? कंप्लीट बरियल पूरा ही जलाने के, पार्शियल जलाने के, और क्रिमेशन दफनाने के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर लाइन आती है। फिर अ कपल ग्रेव इज ऑल्सो एक्सकेवेटेड। यहाँ पे भी जो है एक कपल ग्रेव जिसमें जो है पुरुष और स्त्री दोनों को साथ में ही जो है दफनाते थे, तो कपल ग्रेव जो है यहाँ पे मिला। एलिप्टिकल ग्रेव्स हैव बीन आल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम हियर। एलिप्टिकल शेप के ग्रेव भी डिस्कवर हुए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर फ्रॉम वन ऑफ दीज ग्रेव्स एन एविडेंस ऑफ 6 holes इन द स्कल ऑफ अ चाइल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड। दिस कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्जरी। कालीबंगा हाउसेज वेयर मेड ऑफ रॉब्रिक्स। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जो है डिस्कवरी हुई कि एक बच्चे का, एक ग्रेव से एक बच्चे का स्कल मिला, ठीक है, जिसमें 6 hole थे, ठीक है, 6 hole। अब इससे क्या अनुमान लगाया गया कि तब एक तरीके से तब सर्जरी हुई होगी, तब उसके जो है स्कल में 6 holes मिले। एक तरीके का ये सर्जरी का, ऑपरेशन का, तब के टाइम का ये एग्जाम्पल माना जाने लगा, ठीक है। अब कालीबंगन के जो हाउस होते थे कालीबंगा में, वो किससे बने होते थे? वो कच्चे ईट से बने होते थे, रॉ ब्रिक्स, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स नहीं होते थे वहां पे। वहां पे घर जो है कच्ची ईटों से बने होते थे, ठीक है। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक कलर की चूड़ियां। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडिया। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? अमलानंद घोष 1951 AD में। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आता है कि प्लॉग्ड फील्ड कहाँ पे मिला? कालीबंगा में, ठीक है। और यहाँ पे वेदी मिली, वेदिकास, फायर पिट्स मिले, तीन तरीके के क्रेमेशन राइट्स के एग्जाम्पल मिले, कंप्लीट बरियल, पार्शियल बरियल और क्रेमेशन, ठीक है। कपल बरियल भी मिला, एलिप्टिकल ग्रेव्स भी मिले, घर जो है रॉ ब्रिक्स या फिर कच्ची ईंट के बने होते थे,
6 होल मिले, एक बच्चे एक ग्रेव में से एक बच्चे का स्कल मिला जिसमें 6 होल थे, जो किस चीज का एग्जाम्पल है आपका, जो आपका एग्जाम्पल सर्जरी का, उस टाइम पे भी सर्जरी होती थी, इस चीज का एग्जाम्पल इसको माना जाने लगा, ठीक है। ये था आपका कालीबंगा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए।